नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का कंप्यूटर सब्जेक्ट करेंगे। पिछली दो वीडियो के अंदर हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर का जो हमारा नेम रहेगा वो इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू कर देते हैं। होप सो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो लॉन्ग जाती है तो हम एक पार्ट में इनपुट डिवाइस कर लेंगे, एक में आउटपुट डिवाइस कर लेंगे और एक के अंदर हम स्टोरेज डिवाइसेस कर लेंगे। इस चैप्टर को करने के बाद में हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे दिस चैप्टर के, वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में जान जाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान जाएंगे, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है इसके बारे में भी हम जान जाएंगे और स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर ही मेमोरी मेजरमेंट यूनिट आता है, इनके बारे में भी हमें पता लग जाएगा कि मेमोरी मैनेजमेंट या सॉरी मेमोरी मेजरमेंट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है इनपुट डिवाइसेस, इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने पिछला चैप्टर किया था कंप्यूटर सिस्टम, उसके अंदर कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है, एक आईपीओ साइकिल के ऊपर काम करता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट के ऊपर कार्य करता है। तो यानी कि कंप्यूटर को हमें पहले इनपुट देनी पड़ती है, फिर कंप्यूटर उसके ऊपर वर्क करता है, देन हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। तो उसी आईपीओ साइकिल के दौरान जब कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है तो वो किसी ना किसी डिवाइस की हेल्प से दी जाती है, उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या हम डेफिनेशन बना सकते हैं इनपुट डिवाइस की? द इनपुट डिवाइसेस आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर टू एंटर यूजर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। यानी कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो यूजर की हेल्प करते हैं कंप्यूटर के अंदर उसके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन या डेटा को एंटर करवाने में। इंस्ट्रक्शन को एंटर कौन करवाता है, किसकी हेल्प से कर सकते हैं? हम इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से कर सकते हैं। डेटा कैन बी इन एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा। यानी कि जो डेटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर कंप्यूटर को दिया जाता है वो यूजर के द्वारा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी इन ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट फॉर्म, और भी बहुत सारी ग्राफिक्स फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस प्रकार की इनपुट जो है इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से कंप्यूटर को दी जाती है। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले चैप्टर में जो हमने वीडियो में जो किया था, मैंने बोला था कि आईपीओ साइकिल पे कंप्यूटर वर्क करता है। ब्लॉक डायग्राम बना करके मैंने आपको समझाया था आईपीओ साइकिल, यानी कि आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। यानी कि पहले कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस की हेल्प से इनपुट दी गई, देन उस पर कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, देन हमें आउटपुट प्रोवाइड की यानी कि रिजल्ट प्रोवाइड किया। तो ये जो सारी की सारी इनपुट कंप्यूटर को दी जाती है, फॉर एग्जांपल मैं 2 और 3 को जोड़ना चाहता हूँ कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर के अंदर ये डेटा दर्ज करवा के, यानी कि वो क्या होगी, इनपुट हो गई और मेरे को रिजल्ट जब 5 मिलेगा वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और इसके ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई करके इसके ऊपर कंप्यूटर ने जो वर्क किया उसको प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो ये सारी की सारी जो इनपुट है वो किसकी हेल्प से दी जाती है, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से दी जाती है। ये तो थे इनपुट डिवाइस और उसकी डेफिनेशन। अब इनपुट डिवाइसेस काफ़ी सारे होते हैं, कुछ मैंने इधर वाली साइड में राइट हैंड साइड में लिख रखे हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर है, स्कैनर के फर्दर आगे पार्ट हैं जैसे कि फ्लैट बेड, हैंडहेल्ड, ड्रम, जॉयस्टिक है, गेम पैड है, माइक्रोफोन, लाइट पेन, MICR, OCR, कैमरा और वेबकैम, टच स्क्रीन और टच पैड। ये सारे के सारे जो इनपुट डिवाइसेज है इनकी हेल्प से हम कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करवा सकते हैं या उसके अंदर एंटर करवा सकते हैं और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवा के हम डिजायर्ड आउटपुट या रिजल्ट पा सकते हैं। तो इन सभी इनपुट डिवाइसेज को बारी बारी करके डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखी हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करके एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक
रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बना हुआ इनपुट डिवाइस होता है जिसके ऊपर काफ़ी सारे बटन लगे हुए होते हैं। एक जर्नल नॉर्मल कीबोर्ड के ऊपर 104 कीज होती है। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट डिवाइसेस होता है। इसके अंदर जनरली 104 बटन्स यानी कीज इसके ऊपर होते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से वी कैन एंटर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इनटू आवर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट के रूप में या डिजिट्स के रूप में हम डेटा एंटर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माउस। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर को जब इनपुट देते हैं इसकी हेल्प से हम माउस पॉइंटर को हैंडल कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इसकी हेल्प से माउस पॉइंटर को या कर्सर को, जिसको एरो बोला जाता है माउस पॉइंटर को, उसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे मूव करवा सकते हैं। माउस के ऊपर जनरली 2 or 3 बटन्स होते हैं। एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और एक स्क्रॉल व्हील होता है। स्क्रॉल व्हील होता है जिसकी हेल्प से हम स्क्रॉल बार को अप या डाउन कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के ऊपर अप या डाउन जा सकते हैं। लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील, ये माउस के जनरली बटन होते हैं। अब माउस जो होता है वो ऑप्टिकल माउस भी होता है और आपका मैकेनिकल माउस भी होता है। जो मैकेनिकल माउस होता है जनरली उसके जो बॉटम एरिया में होता है एक गोल गोल बॉल होती है, बट एज कम्पेयर टू मैकेनिकल माउस, अगर ऑप्टिकल माउस की बात करें तो उसके अंदर कोई बॉल नहीं होती, उसके अंदर कोई गोल गोल व्हील नहीं होता, उसके बॉटम एरिया में डायरेक्ट एक लेजर बीम होती है, लाइट होती है, उसकी हेल्प से माउस का पॉइंटर इधर से उधर मूव करता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है, विद द हेल्प ऑफ स्कैनर वी कैन स्कैन द इमेजेस और टेक्स्ट। हम किसी प्रकार की इमेज या टेक्स्ट को उसको स्कैन करके डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर फीड करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए इमेज, इमेज के रूप में। फर्दर जो आपके स्कैनर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फ्लैट बेड, सेकेंड इज हैंड हेल्ड, थर्ड इज डर्म। अब ये फ्लैट बेड क्या होता है, एक ये बिल्कुल सीधा रेक्टेंगुलर फ्लैट होता है, सीधा होता है, बेड की तरह होता है। इसके ऊपर पेज को रखा जाता है, देन स्कैन की कमांड दे दी जाती है और वो इमेज के रूप में टेक्स्ट स्कैन हो जाता है। कुछ इस प्रकार का होता है ऐसे फ्लैट, इसके ऊपर एक कवर बॉक्स होता है, यहाँ नीचे यहाँ पे पूरा शीशा होता है, इस शीशे पे पेज को रख करके इस कवर को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद में स्कैन की कमांड दी जाती है तो वो इमेज के रूप में वो टेक्स्ट स्कैन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज हैंड हेल्ड, ये हाथ से पकड़ा जाने वाला स्कैनर होता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं बेटा जिसके ऊपर बार कोड होता है, उस बार कोड को हैंड में लेकर के एक लाइटिंग बीम आती है किसी स्कैनर के अंदर, जिसको हैंड हेल्ड स्कैनर बोलते हैं, उस बार कोड को स्कैन किया जाता है, वो हैंड हेल्ड स्कैनर की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्कैनर टाइप इज ड्रम स्कैनर, ये एक गोल गोल ड्रम टाइप में होता है। इसके अंदर पेज को या टेक्स्ट को डाला जाता है, आफ्टर दैट स्कैन की कमांड से इसके अंदर जो पर्टिकुलर पेज होता है उसको इमेज फॉर्म में लाया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है इसमें एक हैंडल होता है, ज़्यादातर ये गेमिंग में काम आता है जॉयस्टिक जो होता है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है, जिस प्रकार की ये जॉयस्टिक का एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बीच में एक हैंडल होता है इस प्रकार का, ये चारों दिशाओं में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों दिशाओं में रोटेट हो सकता है। इसको रोटेट करके हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एरिया में कहीं भी स्क्रीन पे मूव करवा सकते हैं, चाहे वो माउस पॉइंटर ही क्यों ना हो, यानी कि कर्सर ही क्यों ना हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, उसको मूव करवाया जा सकता है। ज़्यादातर इसको गेम खेलने में इस्तेमाल किया जाता है, जब गेम के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है उसको इधर से उधर मूव करवाने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज गेम पैड। गेम पैड भी एक
गेमिंग इनपुट डिवाइसेज हैं, किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, पर्टिकुलर गेम के अंदर टास्क करने के लिए गेम पैड का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग यह भी जॉयस्टिक की तरह ही होता है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन, यानी कि माइक। ये साउंड को रिकॉर्ड करने के काम आता है। जिस प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे कॉलर पे माइक लगा हुआ है, इसको ही माइक्रोफोन बोलते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस के रूप में होता है। अभी फिलहाल अगर आप वीडियो देख रहे हो बेटा, ये माइक्रोफोन मेरी आवाज साउंड के रूप में रिकॉर्ड कर रहा है। देन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैंने कनेक्ट कर रखा है, मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो या कैमरा हो, उसको ये साउंड रिकॉर्ड करके दे रहा है। तो माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड साउंड इन अवर कंप्यूटर। लाइट पेन भी माउस पॉइंटर की तरह और जॉयस्टिक की तरह ही होता है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो माउस का कर्सर होता है, एरो जो होता है, उसको कंट्रोल करने के काम आता है या मूव करवाने के काम आता है। नेक्स्ट वन इज MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। ये क्या काम आता है? मोस्टली दिस डिवाइस इज यूज्ड बाय बैंक एम्प्लॉयज के द्वारा ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इस डिवाइस को। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब अगर आपने किसी ने किसी भी कैंडिडेट ने अगर चेक देखा हो, तो बैंक का जो चेक होता है किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट नंबर से काटा हुआ, उस चेक के नीचे एक चेक नंबर होता है और कुछ अलग नंबर्स लिखे हुए होते हैं। वो किस इंक से लिखे हुए होते हैं? मैग्नेटिक, यानी कि चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं। मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए शब्दों को रीड करने के लिए, स्कैन करने के लिए, पढ़ने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक इंक रीडर या रिकॉग्निशन, इसकी फुल फॉर्म में R फॉर रीडर या रिकॉग्निशन, दोनों ही आप लिख सकते हो। इससे बैंक एम्प्लॉय यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ये ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एक ऐसा इनपुट डिवाइसेज होता है, स्कैन टाइप होता है, जो अनएडिटेबल डॉक्यूमेंट होते हैं। अनएडिटेबल मीन्स जो ऐसे डॉक्यूमेंट जो एमएस वर्ड में या किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पैड में टाइप ना किए हुए हों, जिनको एडिट ना किया जा सका या एडिट ना किया जा सके, वो उनकी रीडिंग के लिए हम OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट एडिटेबल फॉर्म में हो जाता है। देन वी कैन एडिट ईजली दीज डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। नेक्स्ट वन इज कैमरा और वेबकैम। कैमरा और वेबकैम इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस। इट हेल्प अस टू रिकॉर्ड वीडियो इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग के काम में कैमरा और वेबकैम आता है, ये सब जानते हैं। नेक्स्ट वन इज टच स्क्रीन और टच पैड। टच स्क्रीन और टच पैड क्या होता है? टच स्क्रीन और टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। और टच स्क्रीन और टच पैड की हेल्प से हम माउस पॉइंटर को या कर्सर को स्क्रीन के ऊपर मूव करवा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऐप को या ऑब्जेक्ट को ओपन भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप सो, मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट जो है इनपुट डिवाइसेस, या फर्स्ट टॉपिक जो है इनपुट डिवाइसेस, आपको समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आउटपुट डिवाइसेस को करें, और उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी मेजरमेंट यूनिट को करेंगे। इस पार्ट के अंदर हम इतना ही करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट जो इसी चैप्टर का आएगा, उसके अंदर हम सेकेंड टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस के बारे में करेंगे। इनपुट डिवाइसेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।